यदि आप किसी को कॉल लगाते हो और कॉल लगाते ही गाइस आपके फोन का जो डिस्प्ले है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, बंद हो जाता है, और तब तक ऑन नहीं होता जब तक आपकी कॉल जो कि सामने वाला डिस्कनेक्ट या काट ना दे। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे ही कॉल लगाते हो तो आपका डिस्प्ले जो बंद हो जाता है, प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से फिक्स कर सकते हो। तो करना कि आपकी वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो मेरा नाम आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करेगा। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम बात करें कि यदि हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करते हैं हमारे फोन का डिस्प्ले पूरी तरह से बंद हो जाता है, कुछ भी प्रेस करते हैं तो हमारा डिस्प्ले बिल्कुल से ऑन नहीं होता। इसके लिए आपको सिंपली आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको अपने ऐसे स्पेशल फीचर पे क्लिक कर देना और उसके बाद नीचे लेना। नीचे लेने के बाद आपको एक्सेबिलिटीज का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक कर लेना। एक्सेबिलिटीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, आप इसे नीचे स्वाइप कर लेना। नीचे स्वाइप करने के बाद यहाँ से गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर बटन एंड कॉल का, तो आपको इस वाले बटन को इनेबल कर देना। अब इसे आप इनेबल कर दोगे तो इससे हो गया क्या, इससे ये होगा दोस्तों कि जैसे कि अभी तक आपकी ये प्रॉब्लम थी कि आप जब भी किसी को कॉल करते हैं, किसी का कॉल आता है और आप उसे जब रिसीव करते हैं तो आपके फोन का डिस्प्ले बंद हो जाता है, तो आप कुछ भी प्रेस करते हैं तो आपका डिस्प्ले ऑन नहीं होता। और आपकी बात अगर कंप्लीट भी हो जाती है तो सामने वाला आपका फोन नहीं रखता तो कॉल चलता ही रहता है। तो गाइस इस बटन को इनेबल करने से यह होगा कि अगर आपकी बात हो चुकी है या आपको बीच में ही कट करना है या गलती से लग गया है तो आप डायरेक्टली पावर क्यू को एक बार प्रेस कर देंगे, जिससे आप अपने फोन को स्विच ऑन मतलब लॉक या अनलॉक करते हैं उस वाले बटन को अगर प्रेस करोगे तो आपका फोन पे कॉल लगा होगा तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का सलूशन है दोस्तों, क्योंकि कई लोगों के फोन पे सेंसर का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका सलूशन मैंने आपको एकमात्र बता दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।